में आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में खासकर लोकसभा चुनावों समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होने के आसार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव के लिए आपके उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी की अहम बैठक आज, लोकसभा चुनावों पर आपका फोकस, चुनावी रणनीति पर होगी माथापच्ची, लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करिश्माई जीत दर्ज करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है, तभी तो आज एक महीने में दूसरी बार आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में होने जा रही आपकी इस बैठक में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। अलग अलग राज्यों के लिए रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी की लोकप्रियता पर चर्चा की जाएगी। अटकलें इस बात की भी हैं कि आपकी इस बैठक के बाद अब कभी भी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में जन लोकपाल बिल पर भी चर्चा संभव है, साथ ही सोमनाथ भारती के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। हालांकि ड्रग्स और सेक्स रैकेट पर छापेमारी के दौरान विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले में पार्टी अपनी तरफ से सोमनाथ भारती को पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन इस मामले में न्यायिक जांच अभी लंबित है, लिहाजा इस मुद्दे पर भी आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होने के आसार हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नगर के विधायक विन्नी के निष्कासन पर भी चर्चा होगी, तो हालिया दिनों में दिल्ली पुलिस और सरकार में टकराव के मसले पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और राज्यों के संयोजक शामिल हैं। जाहिर है एक महीने में दूसरी बार आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा आपके इस मंथन से क्या कुछ निकल कर सामने आता है।